दोस्तों सब्सक्राइब करें टॉप मस्ट को और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पाएं सबसे पहले। दोस्तों अजय देवगन ने यूं तो हर तरह के रोल किए हैं, लेकिन जब जब वे पर्दे पर वर्दी पहनकर उतरे हैं तो उन्हें समीक्षकों और दर्शकों से हमेशा वाहवाही मिली है। आज हम आपको देवगन की कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जिनमें वर्दी पहनकर वे उतरे और छा गए। दोस्तों यदि आपको भी अजय देवगन पसंद है तो उनके लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों जिन फिल्मों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उनमें से शायद ही आपने कुछ फिल्में देखी होंगी, तो चलिए जानते हैं अजय देवगन की उन फिल्मों के बारे में जिनमें उन्होंने सेना की वर्दी या पुलिस की वर्दी पहनी है। टैंगो चार्ली। जी हाँ दोस्तों, टैंगो चार्ली में दमदार भूमिका में अजय देवगन ने अपनी छाप छोड़ी। निर्देशक मणिशंकर की यह फिल्म अर्धसैनिक बलों और सेना के अभियानों का बारीकी से वर्णन करती है। इस फिल्म को अजय देवगन ने सच कर दिखाया। ऐसे इलाकों में जहाँ कदम कदम पर खतरा है वहाँ जवान किस तरह से उन्हें पार करते हैं, पर्दे पर अजय देवगन ने उसे सहज रूप से उतारा है। गंगाजल। अजय देवगन की सबसे बेस्ट फिल्म है गंगाजल। इस फिल्म में उन्होंने पुलिस अफसर की भूमिका निभाई जिसे एक साथ नेता अफसर और गुंडों के गठजोड़ से निपटना पड़ता है। पुलिस अफसर अमित कुमार के गंभीर किरदार को अजय देवगन ने अपनी इंटेंस एक्टिंग से पर्दे पर जीवंत कर दिया। इस फिल्म ने भी अच्छी खासी कमाई की थी और अजय देवगन ने इस फिल्म में दर्शकों के मन में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। सिंघम और सिंघम रिटर्न। जी हां दोस्तों, निर्देशक रोहित शेट्टी की इन दोनों फिल्मों का मुख्य आकर्षण अजय देवगन ही रहे। वर्ष 2011 और 2014 में प्रदर्शित इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। निर्भीक और ईमानदार पुलिस अफसर को अजय देवगन ने इस कदर जीवंत कर दिया कि ईमानदार पुलिस अफसरों को लोग सिंघम कहकर पुकारने लगे हैं। फिल्म में अजय देवगन द्वारा बोले गए संवाद यानी कि डायलॉग्स आज भी लोग दोहराते नजर आते हैं। जमीन। वर्ष 2003 में रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित की गई फिल्म जमीन में अजय देवगन ने कर्नल की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में आतंकी यात्रियों से भरे एक हवाई जहाज को हाईजैक कर लेते हैं। यात्रियों को सही सलामत छुड़वाने की जिम्मेदारी मिलती है कर्नल रणवीर सिंह रणावत यानी कि अजय देवगन को। कर्नल रणावत आतंकियों के कब्जे से यात्रियों को छुड़वाने की योजना बनाता है। उसे साथ मिलता है एसीपी जयदीप राय यानी कि अभिषेक बच्चन का। कर्नल के रूप में अजय देवगन की भाव भंगिमाएं यानी कि उनकी जो एक्सप्रेशन है वो देखते ही बनते हैं। एलओसी कारगिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि निर्देशक जेपी दत्ता जब बॉर्डर फिल्म बना रहे थे उन्होंने लेफ्टिनेंट धर्मवीर भान की भूमिका के लिए अजय देवगन को अप्रोच किया था। अजय देवगन के मना करने पर अक्षय खन्ना को लिया गया, लेकिन कुछ सालों के बाद जेपी दत्ता जब एलओसी की रूपरेखा बना रहे थे तो एक बार फिर उन्होंने अजय देवगन को अप्रोच किया। इस बार अजय देवगन ने हाँ कर दी। इस फिल्म में अजय देवगन ने लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों ये है अजय देवगन की वो फिल्में जिनमें उन्होंने वर्दी पर अपना कमाल दिखाया। दोस्तों अजय देवगन के लिए एक लाइक तो बनता है, साथ ही दोस्तों आपको इनमें से उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं ताकि हम इस वीडियो को अजय देवगन तक भी पहुंचा सके कि उनके दर्शक उनके बारे में क्या सोचते हैं। स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।